नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इन दिनों एक्शन मोड में हैं। सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी ले रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेठी में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। इस लापरवाही की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह अमेठी में एक बंदर का मरीजों को दी जाने वाली ग्लूकोज की बोतल पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य महकमा की घोर लापरवाही से बेजुबान जानवरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर बंदर के पास ग्लूकोज की बोतल आई कहाँ से? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बेजुबान जानवरों को भारी लगातार पड़ रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई है। क्या ये पूरा मामला है? और आखिर जो सवाल उठ रहे हैं कि ग्लूकोज की बोतल यूं ही क्या पड़ी थी कचरे में जो बंदर उठा के पीली, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। अमेठी से मेरे सहयोगी विक्रम भदौरिया मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, ये पूरा मामला किस तरह से है और क्या कुछ जाँच हुई है इस वीडियो के वायरल होने के बाद? हाँ बिल्कुल, अमेठी में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब स्वास्थ्य महकमा इससे अनजान बना हुआ था। लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना रहा यह वीडियो। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी के कई बार बात करने का प्रयास किया गया, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार भी कर दिया है। बिल्कुल, तो क्या कोई एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले पर? क्योंकि मेरा गांव मेरा देश जो मूल मुद्दे होते हैं वो लगातार इस प्रोग्राम में हम उठाते हैं, और हमारी मुहिम है कि जो भी परेशानियां हैं आम जनता की, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या फिर विकास से जुड़ी हो, वो उन अधिकारियों के सामने रखना जो कि जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएससी अधीक्षक से इस बारे में जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि सीएससी परिसर का यह मामला नहीं है, उसी के जस्ट बगल में ट्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर का मामला बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मामले से मुंह मेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं बाहरी अस्पतालों का ये ग्लूकोज का पैकेट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है ये ग्लूकोज कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है बंदर के लिए भी। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए मरीजों को तो नुकसान हो ही रहा है क्योंकि मरीजों को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो बंदर पी जा रहे हैं, जानवरों को भी इससे नुकसान कहीं ना कहीं हो पा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि ग्लूकोज की बोतल बंदर के हाथों कैसे लगी? क्या कूड़ेदान में फेंकी हुई थी या अस्पताल के अंदर बंदरों का बसेरा हो गया है? जी हाँ बिल्कुल, अस्पताल के अंदर बंदर आते जाते रहते हैं, लगभग काफी संख्या में आते जाते रहते हैं, और वहां पर साफ सफाई तो समुचित व्यवस्था ठीक है सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लूकोज की पैकेट पीना या एक्सपायर हो, डेट एक्सपायर हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार जिला चिकित्सा अधिकारी इससे मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया गया कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, बात करने से इनकार कर रहे हैं लगातार। ठीक है विक्रम, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद, जरा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। यह हमारे संज्ञान में मीडिया की रिपोर्ट से ही आया, तो हमने इसको जब जांच किया तो पता चला कि ट्रॉमा सेंटर, वीडियो देखने से ये पता चला कि ट्रॉमा सेंटर में ऐसा कोई हादसा हुआ था, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में केवल ओपीडी सेवाएं संचालित है, वहाँ कोई भी मरीज भर्ती नहीं किया जाता, तो ऐसे में किसी भी ग्लूकोज की बोतल का वहाँ पाया जाना थोड़ा सा शंका पैदा करता है। और ये बोतल ऐसा भी हो सकता है कि बंदर कहीं और से उठा के ले आए, क्योंकि सीएससी का ऐसा कोई नहीं, हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट का कायदे से प्रावधान है, उसके लिए गाड़ी आती है, वो सामान लेके जाती है। तो सुना आपने, डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो ट्रॉमा सेंटर का है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ ओपीडी सेवाएं हैं, ऐसे में ग्लूकोज की बोतल का कोई मतलब नहीं बनता, हो सकता है कि बंदर कहीं और से ग्लूकोज की बोतल लेकर आया हो। तो ये सवाल के जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं विक्रम, और विक्रम देखिए अभी जो डॉक्टर्स हैं जो जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लूकोज है वो अस्पताल से लिया गया हो, क्योंकि उनका कहना है कि ये शायद ट्रॉमा सेंटर का जो वीडियो है
वो है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओपीडी सेवाएं सिर्फ चल रही हैं वहां पर, तो ग्लूकोज की बोतल का मतलब नहीं बनता वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से डिप्टी सीएम लगातार स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से अच्छे तरह से संचालित करने के लिए लाइन में लग करके पर्ची लेकर के पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं, लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अमेठी के भी हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में देश पाठक को एक बार अमेठी का भी निरीक्षण करना चाहिए, जिससे अमेठी के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, ठीक है विक्रम, यहाँ राकेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिलाधिकारी हैं। राकेश जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वन इंडिया में। राकेश जी बोल रहे हैं, राकेश जी न्यूज़ वन इंडिया से बोल रही हूँ मैं। जी बताइए मैम। राकेश जी अमेठी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जो बंदर है, जो जानवर है, वो ग्लूकोज की बोतल पीते हुए नजर आ रहे हैं जो मरीजों को लगाई जाती है। मैम आप कहाँ बोल रहे हो? राकेश जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं मैम आपको आवाज नहीं आ रही। देखिए ये जो पूरा मामला है वो जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। जी यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं वो यहीं की हैं, जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। मैम एक मिनट, हम सर से बात करा रहे हैं आपको। राकेश जी आपकी आवाज दर्शक सुन रहे हैं, आप लाइव हैं। राकेश जी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो राकेश जी। हाँ बोल रहा हूँ। राकेश जी एक मामला है जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, न्यूज़ वन इंडिया से मैं बात कर रही हूँ। न्यूज़ वन इंडिया से बात कर रही हूँ राकेश जी। हाँ हाँ। एक मामला है अमेठी के जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ग्लूकोज की बोतल जो कि मरीजों को लगाई जाती है बंदर पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये मामला आपके संज्ञान में सर? मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में मामला नहीं है जी, तो आप इस मामले को संज्ञान में लेंगे, ये दरख्वास्त मैं आपसे कर रही हूँ। नहीं हम देखते हैं, आपने बता दिया दरख्वास्त क्या मामला है। ठीक है थैंक यू। चलिए ठीक है, तो जिलाधिकारी को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है, अमेठी का ये वीडियो जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ट्रामा सेंटर का हो सकता है, जो जिलाधिकारी उनके संज्ञान में नहीं, उनका कहना है कि जल्द ही हम संज्ञान में लेंगे और जो भी कुछ कार्रवाई की जाएगी वो होगी। तो विक्रम सुना आपने, जिलाधिकारी को हमने फ़ोन मिलाया, उनसे बात की, पहले तो कुछ हिला हवाली सी नजर आई, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि संज्ञान में मामला नहीं है। अब देखिए कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं है। कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में जिलाधिकारी को भी इस प्रकरण की जानकारी होते हुए भी अनजान बने हुए हैं। लगातार जिलाधिकारी से इस प्रकरण के बारे में बाइट के लिए प्रयास किया गया, दूरभाष से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, दोपहर में 12:30 बजे पीसी के दौरान भी प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष। तो सीएमओ है सीमा मेहरा, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी आवाज आ रही है मेरी? फोन काट दिया। और देखिए पहले ही फोन मिलाया था विक्रम, पहले ही सीएमओ को फोन मिलाया गया, लेकिन बात सुने बिना ही फोन काट दिया। फिर हम दोबारा फोन मिलाते हैं, उसके बाद फिर से फोन काट दिया जाता है, यानी कि इस पूरे मामले पर बचने की पूरी कोशिश महकमा कर रहा है। गलती किसकी है? जानवरों की, मरीजों की, या उन अधिकारियों की जिनके संज्ञान में मामला ही नहीं है और बात नहीं करते हैं? अगर बात करने की कोशिश आप करें तो कि योगी सरकार में किस तरह से जीरो टैलेंट की नीति पर काम करने का प्रयास कर रही है, ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं उसकी मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। लगातार उनसे मीडिया के लोग कभी भी बर्जन मारने का प्रयास करें या उनका पक्ष जानने का प्रयास करें तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। लगातार वो अपने बचाते हुए अपने संबंधित अधिकारियों को भी बजाते नजर आते हैं,
अपना पक्ष रखने से भी इनकार कर देते हैं। ठीक है विक्रम, हम जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक साहब को भी फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि विधायक जी को फोन मिलाया जाए और हम रिंग सुनवाना चाहते हैं। ये देखिए सुरेश कुमार विधायक जी हैं, उनको हम फोन मिला रहे हैं और रिंग जो है वो जा रही है। तो विधायक जी ने फोन काट दिया क्या? विधायक जी ने फोन उठा लिया है। सुरेश कुमार जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हेलो सुरेश जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं मानी सुरेश काजी जी के यहाँ से बोला, स्टाफ से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बोल रही हूँ। विधायक साहब को हमने फोन किया है, सुरेश कुमार जी को। जी जी, तो इस समय है नहीं, इसमें बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मामला था बस, वो संज्ञान में ला दीजिएगा उनके। एक मामला है अमेठी के जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहाँ पर बंदर जो है वो मरीजों को लगने वाली बोतल पी रहे हैं। तो ये मामला है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप उनके संज्ञान में जरूर ला दीजिएगा। तो विधायक जी ने तो फोन नहीं उठाया और किसी और ने फोन उठाया है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम जो मामला है, जो संज्ञान मिलाने की कोशिश है, वो हम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारी मुहिम है कि जो भी दिक्कतें कोई भी ज़िले में कोई भी गांव में आएगी, हम मेरा गांव मेरा देश के जरिए उन मुद्दों को उठाएंगे, उन दिक्कतों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान मिल सके। विक्रम, विधायक जी तो नहीं है, विधायक जी किसी काम से गए हैं, किसी और ने फ़ोन उठाया और बोल दिया कि हम मामले को संज्ञान में ले लेंगे, बता देंगे हम। जनता के लिए समय ही नहीं है, जिस जनता ने चुना है उस जनता के लिए समय नहीं है। जी, विधायक जी से हमने संपर्क करने का प्रयास किया था, विधायक जी ने बताया कि इमरजेंसी दौरे के कारण बाहर आ गए हैं, आते ही हम आपसे आपको बाइट उपलब्ध करवाएंगे। आपने भी बात करने की कोशिश की थी विधायक साहब से? जी जी, हमसे बात हुई थी, हमसे कहे कि बाहर हैं, आने के बाद हम आपको बाइट उपलब्ध करवाएंगे और उचित कार्यवाही भी करवाएंगे। चलिए ठीक है, अभी हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन कोई भी हल जो है निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई फोन उठाता है तो वो है नहीं, कोई ये कहता है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उन सभी अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेठी का ही पूरा मामला था जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं यहाँ के उनको पता ही नहीं है कि संज्ञान में ये मामला हम कैसे लें और क्या ये मामला है। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे ऐसे मुद्दों को उठाने, क्योंकि यहाँ सिर्फ मरीजों को ही खतरा नहीं है, जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें भी खतरा है। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।